हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे टाटा पंच का एक साल पूरा हो गया और एक साल में 30,535 किलोमीटर अभी तक की रीडिंग है इसकी। माइलेज लगभग 15 की हाईवे पे निकल जाती है और 12 के आसपास लोकल में देती है। और फिर मेंटेनेंस के नाम पर तो लोग सिर्फ बोलते हैं टाटा बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस, कुछ इसका हाई मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी के गाड़ी को अगर समय पे हर चीज का चेकअप कराते हैं तो आपको वो गाड़ी अच्छा ही रहेगा और कम मेंटेनेंस में चला। अब मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम आया, आप उसको इग्नोर कर दिए, नहीं दिखाए, तब तो वो प्रॉब्लम तो होगा ही बड़ा आगे चल के। तो अभी तक ओवरऑल मेरा एक साल का एक्सपीरियंस जो है मेरे गाड़ी के साथ, मतलब ऐसा है एकदम, मतलब हर चीज राइडिंग क्वालिटी से लेके मेंटेनेंस, फ्यूल भी 15 कोई कम है नहीं 1200 सीसी के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो कार है आपको ऑफ रोडिंग में मजा आता है एकदम, मतलब आप 4x4 बोलते हो ना, एक बार पंच को चला के देखो हिल एरिया में एकदम, मतलब मडी में मजा आ जाएगा भाई, माँ कसम एकदम मजा आ जाएगा। ये अभी तक का रीडिंग है, और ये मैं तो भाई सिंपल सा ये है फंडा, अगर आपको 10 लाख के बजट में 9 लाख अभी शायद पड़ते हैं अकम्प्लिश्ड मॉडल के, तो आपको अगर चाहिए तो फिर आप ये पंच की तरफ जा सकते हैं। आपको एक सेफ्टी का गारंटी मिलेगा, मेरे अभी तक 2 बार टक्कर हुई है, दोनों बार स्कॉर्पियो से हुई है, और भाई दोनों बार स्कॉर्पियो का नक्शा मैंने बिगाड़ दिया। इसलिए अगर लेना है तो फिर देसी लो, टाटा लो। और बाकी तो खैर एक साल का रिव्यू मैं दे रहा हूँ अपने, 30,500 मतलब 31,000 किलोमीटर मायने रखता है भाई किसी कार के लिए। 31,000 चलते चलते ना कार में जो क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है वो सब लगभग लग क्लियर हो जाती है। तो अभी तक के जैसा टायर तो मतलब एकदम बिल्कुल न्यू वाले कंडीशन में है, और अपने अपने ड्राइविंग स्किल्स पे भी वो करता है, मैं तो सीखा हूँ इसी पे, मतलब फुल फेब्रवरी तक मुझे चलाना नहीं आता, तो उसके बाद मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया और अभी तक इतना ये ड्राइव किया हूँ मैं। और 31,000 किलोमीटर में से लगभग आपको मैं बताता हूँ 25,000 किलोमीटर ये जंगल में और हिल एरिया में ही चली है, और आज तक हमको कभी सेट नहीं किया ये, मतलब यहाँ भी मैंने इसको लेके गया मजा आया एकदम, लगा 4x4 चल रहा है एकदम लाजवाब यार। और मतलब कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बड़ी गाड़ी है, फील लेती है, मतलब आप एक स्कॉर्पियो वाले से ऐसे आई कॉन्टेक्ट सामने सामने मिला सकते हो, और कार में रहोगे तो मुंडी उठाना पड़ता है। और बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अंडर 10 लैक्स दिस इज द वेरी ग्रेट डील, और टाटा है भाई, टैंक है ये, मिनी टैंक है ये, मिनी सफारी नहीं, मिनी टैंक है ये। फिर स्पीड भी जो है 180 मायने रखता है, वजन भी है ना, और हाँ थोड़ा सा 140-150 के बाद थोड़ा सा स्लो होती है, मतलब पिकअप उतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन 150 तक तो आपका नॉर्मल एकदम सन रॉकेट जाएगा बन के, ये टर्बो इंजन नहीं इसलिए थोड़ा सा लगता है उस टाइम ओवरटेक के टाइम थोड़ा बहुत लगता है कभी कभी, वो भी अगर 80 एबव स्पीड है तो वो भी नहीं फील होता है। और बाकी मैं क्या बोलूँ, बाकी सब आपको ये लाइट जो है थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है कि थोड़ा कमजोर है, और थोड़ा सा हेडलाइट को अपडेट करने का जरूरत है टाटा को, बाकी हॉर्न डबल हॉर्न देना चाहिए था सफारी और हैरियर जैसा इसको भी। खैर कोई बात नहीं, एक दो नेगेटिव पॉइंट को हम इग्नोर ही करेंगे क्योंकि हमको एक सेफेस्ट कार मिल रहा है, इंडिया का सेफेस्ट कार ये है, और एवरेज 15 काफ़ी है हाईवे के लिए। बाकी गाने का तो आवाज तो खैर यार, म्यूजिक सिस्टम वेरी ऑसम एकदम, मतलब क्या बताएं, मजा आता है यार। और लुक तो है ही इसका लाजवाब है एकदम किलर, मैं तो इसको बेबी बोलता हूँ। आज एक साल हो गया, आप लोगों को मैंने जो भी था सही रिव्यू मैंने दिया, इसमें कोई कहीं से भी आपको गलत नहीं है ये,
मैंने जो बोला वो है 100%। बाकी थैंक यू, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा, और बाकी सब ठीक है। फिर जय श्री राम।